परम पूज गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो भाई साहब। मैं आशीष मिश्रा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह, कहाँ के हो श्रीमान? सर परम पूज गुरुदेव, हम पमीठा के हैं, वहीं आपके पास ही के हैं। नागतरे को है। हाँ, पास ही के कहा है, सीलोन के। परम पूज, आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें और साथ में भौतिक जगत में कैसे संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो प्रगति है वो सबको दिखाई नहीं देती, जबकि भौतिक जगत की जो संपत्ति है और प्रगति है वो सबको दिखाई देती है। तो किस प्रकार से संतुलन बनाए और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बढ़े, इसके पर थोड़ा मार्गदर्शन। भौतिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन ज्यादा जुटेंगे, 4-5 फॉर्चूनर हो जाएगी, दुनिया वाले बड़ा आदमी कहने लगेंगे। तो भौतिक जगत में बड़े आदमी हो गए, और साधना बल पर कुछ भी ना रहे फिर भी सहनशाह की जिंदगी जीने लगो, सो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त कर गए। तो इसीलिए भौतिक जगत की उन्नति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, क्योंकि भौतिक जगत में जो पा लिया उसके बाद भी पाने की आवश्यकता रहती है। क्या मकान बन गया तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो जाए हो गई तो वेयर हाउस हो जाए, वेयर हाउस हो गया तो अब फॉर्चूनर हो जाए। जिन पे फॉर्चूनर है वो रेंज रोवर के ख्वाब देख रहे, जो रेंज रोवर लिए बैठे वो BMW के ख्वाब देख रहे, फिर फरारी के ख्वाब, फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड, और बाद में जय जय सीताराम। इसीलिए भौतिक जगत के साधन कितने भी बढ़ जाएं पर पाने की लालसा रहती है, आध्यात्मिक जगत में ना भी प्राप्त होवे तब भी संतुष्टि रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा, साधना क्या है? अब तुम अपने क्लास की छात्रा का नाम मत बता देना, बताओ सा। हम एक बार एक स्कूल में ऐसे ही गए थे पुराने जमाने में, हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो चंगीलाल खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई है, बबीता चलेगी? खैर ये नहीं बताएंगे कि वो स्कूल कृष्णा यूनिवर्सिटी ही थी। तो इसीलिए साधना का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब है साधना, उसको आप धीरे से पढ़ो, साध ना, आप अपने आप को साधे पर साधन को ना साधे, संसार के साधन को ना साधे, अपने आप को साधे। आंखों को साधने के हमें देखना क्या है, कानों को साधने के हमें सुनना क्या है, वाणी को साधने के हमें बोलना क्या है, इसी का नाम साधना है।